मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के पशुपालकों के लिए एक खास तोहफा पेश किया है। सरकार ने पशुओं को सही और समय पर इलाज की सुविधा प्रदान करने के लिए सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ाने का फैसला लिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ सुभाष महतो। भारत की आधी से ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। यहाँ रहने वालों की आजीविका ज्यादातर कृषि व्यवसायों पर ही निर्भर है। खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी उनके लिए एक अच्छी आय का स्रोत है। पशुपालन व्यवसाय को सुलभ और सफल बनाने के लिए कई राज्य सरकारें विभिन्न तरह की योजनाओं को संचालित कर रही हैं, जिसमें पशुओं के टीकाकरण से लेकर उनके इलाज की अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए पशु चिकित्सालयों की स्थापना भी की जा रही है। इसी बीच पशुपालकों के लिए एक अच्छी खबर है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने पशुओं के इलाज हेतु सड़कों पर एम्बुलेंस दौड़ाने का फैसला लिया है। जी हाँ, अब राज्य में पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत देश में चलित पशु चिकित्सा इकाई की स्थापना की जा रही है। हमें मिली ताजा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश राज्य में अब पशुओं के इलाज के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस सड़कों पर चालू रहेगी, जिसमें इलाज के लिए अच्छे उपकरण और मेडिकल स्टाफ शामिल रहेंगे। यह एम्बुलेंस घर पहुंचकर पशुओं का इलाज करेगी। राज्य के पशुपालन विभाग की तरफ से बताया गया है कि प्रति 1,00,000 पशुधन पर एक चलित पशु चिकित्सा इकाई शुरू की जाएगी। मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में लगभग 4 करोड़ पशुधन है, जिसमें इन पशु चिकित्सा इकाई के लिए सरकार की तरफ से विभाग को करीब 64.96 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। सरकार ने पशुधन चिकित्सा इकाई को केंद्रीय पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण की योजना में भी शामिल किया है। यहाँ हम आपको बता दें कि पशुपालकों के लिए पशुओं के इलाज की अच्छी व्यवस्था न होने की वजह से उन्हें अपने व्यवसाय में बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में इनकी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार ने पशुओं के लिए सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ाने का फैसला लिया है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहे हमसे, यानी कि कृषि जागरण से। धन्यवाद।